हमने बताया प्रसाद कुरेली है, कान पे रखी जाती है। ये देखिए इस पर आए रहे, चलो चलो भाई, चलो आए रहे, कह दियो आए रहे। ये मैं झूला के पत्तों की दुनिया बना रही हूँ और इन दुनियों में मैं चना और पसाई के चावल यानी धानी के चावल भर के रखूँगी, क्योंकि आज हछट का त्यौहार है। ये इन्हीं ढाक के पत्तों की दुनिया में ही सारा सामान रखा जाता है, चना रखे जाते हैं हमारे यहाँ, और किसी किसी के यहाँ चवेना भी रखा जाता है, वो भी चुकरिया में, कुम्हार के यहाँ से चुकरिया लाई जाती हैं, पर हमारे यहाँ दुनिया में ही रखा जाता है भीगा हुआ चना। तो अब हमारा सामान तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 14 दोनों में ये चने भर दिए जाते हैं। उसके बाद में ये गुजेरी के फूल है, हमारे यहाँ नार गुजेरी कहते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ होता है फूल। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं जब तक तैयार हुई तब तक सानू से कह दिया था, तो सानू ने चनों को भर दिया है दुनिया में, क्योंकि आज मेरा कान बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, तो इसलिए मन भी नहीं लग रहा था और काम भी ज़्यादा हो गया था। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देखने वाले सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हलछटी का व्रत है, ये अपने लड़कों पे रखा जाता है व्रत, तो उसी की मैंने तैयारी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं ये सूप में सारा सामान रखा हुआ है, ये दूना बनाए हैं झूला के पत्तों को, ढाक जिसे बोलते हैं उसके पत्तों के दूना बनाए, उसी में चना भर लिया है, और ये पसाई के चावल जिन्हें धानी के चावल बोलते हैं, ये दही है, और ये फूल है नार गुजेरी जो ताल में उठती है उसी के है, और ये पसाई है झूला दे दो, और ये झूला के पत्ते हैं, ये देखिए इसे भी ले जाऊंगी और चढ़ाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और वहाँ पूजा का पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए हमारे साथ साथ मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। देखिए यहाँ कितने भव्य व्यवस्था है, पूजा होगी वहाँ, मैं पहुँच गई हूँ, अब यहीं पे पूजा होगी। साथ एक अपनी देवरानी की, तो तुमने कि हम भाई भिंगड़ी का काम अपना बच्चा नहीं भिंगड़ी का, तो एक तेली के पास दे कि ये तुम्हारा चल ठीक चलो। तुमने बताओ कि जब बारिश हुई तो हम पूजा हमारी संपन्न हो गई है। वहाँ जितने लोग उपस्थित होते हैं उन सभी लोगों को ये जो दुनिया में चना भरे रखे होते हैं वो प्रसाद में दिया जाता है। अपने सालों अपने मालूम खचट का मच्छर खाते हैं, अपने सालों अपने मालूम खचट का मच्छर खाते हैं।
अपने सालों के अच्छे कमल छिड़काते हैं, क्या करते हैं अपने मानो के अच्छे कमल छिड़काते हैं, क्या करते हैं अपने सालों के अच्छे कमल छिड़काते हैं, क्या करते हैं अपने मानो के अच्छे कमल छिड़काते हैं। और यहाँ पे मैं ये खा रही हूँ हरछट। ये ऐसा होता है कि अपने लड़कों का नाम लेके, जिसके जितने लड़के होते हैं उसका नाम लेके ये धोनैया पे पसाई के चावल और दही को चाटा जाता है। तो यहाँ तो कोई नहीं करता है, पर मैं और मेरी जेठानी एक ही जगह के हैं तो हम दोनों लोग कर लेते हैं। एक खाता है तो एक पूछता है, और जो खाता है वो अपने लड़कों का नाम लेके खाता जाता है। हमारी हरछट की पूजा हो चुकी है, यहाँ पे किया है मैंने हरछट की पूजा। अब पूजा हमारी संपन्न हो गई और मैं अपने घर को जाऊंगी। और आज का वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए हम लोग घर जा रहे हैं, तो आप लोग हम इस व्रत में हल्का जुता हुआ नहीं खाया जाता है, यानी कि खेतों से जो भी चीज लाई जाती है वो नहीं खाई जाती है। एक बार फिर से आप लोगों को अच्छट की ढेर सारी शुभकामनाएं।